हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन 6 का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट सेकेंड, एक पार्ट हो गया था यहाँ तक आप लोगों को बताया गया था। अब उसके आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको आप लोग को राइट करना है कॉपी पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सिंह राजा को किस कारण वन छोड़कर जाना पड़ा था। अब इसका आंसर देखिए, सिंह राजा को केसरी नाम के सिंह ने युद्ध में हरा दिया था, जिसके कारण उसे वन छोड़कर जाना पड़ा था। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। सिंह राजा को केसरी नाम के सिंह ने युद्ध में हरा दिया था, जिसके कारण उसे वन छोड़कर जाना पड़ा था। ओके, सिंह राजा का वन्य पशुओं के साथ कैसा व्यवहार था। फिर से देखिए, सिंह राजा का वन्य पशुओं के साथ कैसा व्यवहार था। आंसर देखिए, सिंह राजा का वन्य पशुओं के साथ अत्याचारी व्यवहार था। जो चापलूसी करते थे बस उन्हें ही दरबार में स्थान देता था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सभी पशुओं को सुगंध आ रही थी जबकि इत्र नहीं छिड़का गया था, ऐसा क्यों हुआ था। फिर से देखिए क्वेश्चन, सभी पशुओं को सुगंध आ रही थी जबकि इत्र नहीं छिड़का गया था, ऐसा क्यों हुआ था। देखिए थर्ड क्वेश्चन आंसर से, थर्ड, सभी पशुओं को सुगंध आ रही थी जबकि इत्र नहीं छिड़का गया था, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले राजा की भांति समर्थन न करने पर केसरी राजा नाराज न हो जाए, इसलिए वे झूठी प्रशंसा और समर्थन व्यक्त कर रहे थे। फिर से बोले, हो गया, कंप्लीट हो गया। फोर नंबर क्वेश्चन देखिए, टीपू भालू को केसरी ने मंत्री बनने के लिए क्यों चुना था। फिर से क्वेश्चन देखिए, टीपू भालू को केसरी ने मंत्री बनने के लिए क्यों चुना था। आंसर देखिए, आंसर देखिए, फोर नंबर आंसर, केसरी ने टीपू भालू की निर्भीकता, यहाँ पे डैश किया गया है स्टूडेंट्स, निर्भीकता से प्रसन्न होकर उसे मंत्री पद के लिए, मंत्री पद के लिए चुना था। ओके, अब देखिए फाइव नंबर क्वेश्चन, केसरी को किस प्रकार के चरित्र वाले मंत्री की आवश्यकता थी। केसरी को निर्भीक और सच बोलने वाले चरित्र के मंत्री की आवश्यकता थी। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, भाषा व्याकरण का नंबर, इनके दो दो नाम लिखिए। आप ये फिगर देख के समझ ही रहे होंगे कि क्या बना है। यहाँ देखिए लॉयन बना है जिसके दो नाम लिखने हैं, एक सिंह हो गया एक मृगराज हो गया। सेकंड नंबर देखिए, ये हाथी बना हुआ है जिसको आप एलिफेंट कहते हो। अब देखिए इसका दो, इसके दो नाम लिखने हैं, गज और हस्ती। ये थर्ड नंबर देखिए, घोड़ा, अश्व और तुरंग, ठीक है, तुरंग है। इधर देखिए गाय बनी हुई है, इसके दो नाम है गौ और धेनु। इधर देखिए कुत्ता बना हुआ है जिसको डॉग आप लोग बोलते हो इंग्लिश में। इसके बाद इसके दो नाम है स्वान और कुक्कुर। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये ट्री है यानी पेड़, इसके दो नाम वृक्ष और तरु। आगे आइए, ख नंबर देखिए, यहाँ कुछ संज्ञा और विशेषण शब्द दिए गए हैं, रेखा खींच कर इनका सुमेल कीजिए। देखिए इधर फर्स्ट, इधर ऑप्शन देखिए, शक्तिशाली, शक्तिशाली का ऑप्शन जाएगा, कौन था शक्तिशाली, शेर। फिर भयानक, भयानक का ऑप्शन जाएगा पशु। चापलूस, चापलूस कौन थे, मंत्री। श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ कार्य में जाएगा। अत्याचारी, अत्याचारी कौन था, राजा था। आज के, अब स्टूडेंट्स आज का चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अब इतना, आज के लिए अब इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे।
थैंक यू सो मच।